अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख 28 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार को हालात हाजरा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि बग़ौर समात फरमाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीबिया के ताल्लुक़ से। लीबिया में एक बड़ा मामला पेश आ गया है कि वहाँ पर कुछ मिलेशियाज़ ग्रुप में इन फाइटिंग हो गई है और ये इतने बड़े पैमाने पर हुई कल कि 23 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो ये लीबिया, ये अफ्रीका का शुमाली इलाका है, तो ये इजिप्ट है जिसकी राजधानी काहरा है, कैरो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लीबिया है इसकी राजधानी ट्रिपोली है, और फिर इसके ऊपर ट्यूनिशिया है जिसकी राजधानी ट्यूनिस है, और ये अल्जीरिया है जिसकी राजधानी अल्जेर है। तो ट्यूनिस और अल्जेर दोनों की राजधानी के नाम पर ही मुल्क का नाम है, और ये मोरक्को है जिसकी राजधानी रबात है, और ये वेस्टर्न सहारा, ये समझिए कि अलग से कोई कंट्री नहीं है, आधे पे जो है मोरक्को कब्ज़ा किया हुआ है और आधे पर यहाँ पर यहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट का कब्ज़ा है, यानी 80% मोराको के कब्ज़े में है और 20% जो है वहाँ के नेटिव लोगों के कब्ज़े में है। तो ये इजिप्ट पर जो है, पहले ये खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में जब कॉलोनियल पावर ज़्यादा ताकत में हुई 19वीं सदी में, तो समझिए कि इजिप्ट में बरतानिया का कब्ज़ा हो गया, लीबिया में इटली का कब्ज़ा हो गया, ट्यूनिस और अल्जीरिया में फ्रांस का कब्ज़ा हो गया, और मोराको में स्पेन का कब्ज़ा हो गया। तो इन लोगों को फिर धीरे धीरे आज़ादी मिली। तो लीबिया में हम जानते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़े सन्नूसी तहरीक के जो मर्द मुजाहिद थे, उमर मुख्तार, 1933 में उनको फांसी दे दी गई थी जब जहाज़ से उनको फेंक दिया गया था। वो बहुत ज़्यादा टक्कर दे लीबिया वालों को, बाद में 1955-56 में जा कर के इन लोगों को मुकम्मल आज़ादी मिली, क्योंकि इटली जो है वो दूसरी जंग अजीम में, चूँकि उसने हिटलर का साथ दिया तो बाद में हार गया, तो हारने के बाद फिर बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया इसको, इन लोगों को फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया। तो फिर बरतानिया से भी 1956 में समझिए कि इन लोगों को आज़ादी मिली, और उसके बाद वहाँ पर बादशाहत कायम हुई। लेकिन 1969 में जाकर के मुअम्मर कज़ाफ़ी ने, जो फ़ौजी जर्नल था, उसने तख्ता पलट कर दिया और वो समझिए फ़ौजी हुकूमत कायम कर लिया। तो 1969 से लेकर के 2011 तक मुअम्मर कज़ाफ़ी रहा, यानी 42 साल। और उसके बाद जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ यहाँ से ट्यूनिशिया से, तो तीनों जगह जो है फ़ौजी हुकूमत को उखाड़ फेंका गया। यहाँ पे हसनी मुबारक था जो तकरीबन 30 साल से था, यहाँ पर मुअम्मर कज़ाफ़ी था जो 42 साल से था, ट्यूनिशिया में ज़ैनुल आबदीन जो समझिए कि 11-22 साल से था, 1989 में आया था ये। तो ये तीनों जगह अवाम नास कामयाब हुई, लेकिन मोराको में बगावत कामयाब नहीं हुई, और शाम में कामयाब नहीं हुए, यमन में कामयाब नहीं हुआ, और सऊदी वगैरह में भी कामयाब नहीं हुआ। तो यहीं से फिर मसला चल गया। अमेरिका ने मुअम्मर कज़ाफ़ी को तो नेटो फ़ौज की मदद से भगा दिया, मार दिया, लेकिन यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया। तो अभी इसकी सूरत हाल यह है कि दो हिस्सों में ये समझिए बटा हुआ है तो तीन हिस्सों में बटा, कि एक नीचे के इलाके में कुछ लोकल लोगों की गवर्नमेंट है, लेकिन ऊपर ऊपर का जो इलाका है, जो साहली एरिया है, इसी में असल में तरक्की है। बिनगाज़ी इधर है और ट्रिपोली इधर है, तो इधर एक गवर्नमेंट है और इधर एक गवर्नमेंट है। तो इस साइड जो ट्रिपोली में जिसका सेंट्रल कैपिटल है, जो गवर्नमेंट है, इसको यूएन भी मानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन में इसकी नुमाइंदगी है, लेकिन दुनिया की ज़्यादा ममालिक जो है इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। इस ग्रुप के जो मेन लीडर हैं वो समझे कि खलीफा हफ्तार जो मिलिट्री जनरल है वो है। तब इन कंट्रीज़ को किसके किसका सपोर्ट है, तो इसका सपोर्ट जो है समझे सऊदी अरब इसको सपोर्ट करता है, फिर यूएई इसको सपोर्ट करता है, मिस्र इसको सपोर्ट करता है, फ्रांस इसको सपोर्ट करता है, रशिया इसको सपोर्ट करता है, और इसराइल इसको सपोर्ट करता है, ये सब ममालिक इसको सपोर्ट करते हैं। और ये इसको कौन सपोर्ट करता है, इसको समझिए कि इटली सपोर्ट करता है, और मुसलमान कंट्री में कतर और तुर्की सपोर्ट करता है। अब इनके ख़िलाफ़ ये लोग क्यों हैं, क्योंकि ट्रिपोली में जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर इख्वानियों पर मुश्तमिल है, और ये सब इस्लामी हुकूमत लाना चाहते हैं। तो अब सऊदी को इस्लामी हुकूमत से प्रॉब्लम है, इजिप्ट को प्रॉब्लम है, यूएई को प्रॉब्लम है, इसराइल को प्रॉब्लम है, तो लिहाजा ये लोग इसको ताकतवर बनाते हैं, खलीफा हफ्तार को। वो खलीफा हफ्तार काफ़ी डायनामिक पर्सनालिटी है, वो मुअम्मर कज़ाफ़ी का कभी साथी हुआ करता था, बाद में इख्तलाफ हो गया, तो अमेरिका ने उसको लॉन्च किया यहाँ पे। तो ये जो है दो फंक्शन में लड़ाई रहती है। तो ये बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इसको बैकिंग ज़्यादा है, इजिप्ट का भी है, सऊदी का भी है, यूएई का भी है, सबका है। तो ये बिन गाज़ी की हुकूमत छीनने की कोशिश करते हैं, और ये 2019 में तो तकरीबन ट्रिपोली पर ये कब्ज़ा कर ही नहीं वाला था कि तुर्की बीच में आ गया।
अब तुर्की ने ड्रोन्स मार मार करके फिर इसको जो है पीछे ढकेल दिया। तो अभी समझिए कि 1/3 पार्ट पे ये इन लोगों की हुकूमत है, जिसका नाम समझिए कि GNU है। एक तो हमारे यहाँ JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर GNU है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। तो इसको सपोर्ट मैन जो है तुर्की का है, क्योंकि ये इख्वान मुस्लिमीन है, इख्वान मुस्लिमीन से ये तुर्की को थोड़े से हमदर्दी है तैयब अर्दगान को। तो अब यहाँ पर ये लोग क्लैशेस करते रहते हैं। तो कल जो है ट्रिपोली में बम विस्फोट हो गया, कार बम धमाका, जिसमें से जो है 23 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग जख्मी हो गए। तो अब ये है कि UN ने दोनों में मुआहदा करा दिया था, दोनों ग्रुप में, कि मिलजुल करके रहो प्यार मोहब्बत से, क्योंकि जंग लड़ते लड़ते 2011 ही से ये लोग परेशान थे। लेकिन अब फिर कल जो है समझे कि वहाँ पर ब्लास्ट हो गया है। तो अब कहीं ये ख़तरा है कि 23 की मौत होकर के रह जाए तो गनीमत है, वरना ऐसा ना हो कि फिर वो सिविल वॉर शुरू हो जाए और दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाए और UN की जो पीस ट्रीटी थी वो फेल ना हो जाए। तो ये एक बड़ा मसला था। तो ये दुआ कीजिए कि यहाँ पर लोगों को समझ अता करें और मामला ज़्यादा कुछ ना हो। दूसरे नंबर पर टूनिशिया की वजह से, मोराको और टूनिशिया का जो है वो प्रॉब्लम आ गया है। दोनों एक दूसरे के एम्बेसडर जो है वापस बुला लिए। एक अच्छी खबर आई कि समझिए कि फ्रांस और अल्जीरिया में मसालहत हो गई है, स्ट्रांगनेस भी आया है, क्योंकि फ्रांस का जो सदर है इमैनुअल मैक्रॉन वो 3 दिन यहाँ पर रहा अल्जीरिया में, और यहाँ के जो सदर हैं अब्दुल मजीद तैबून, तो उनसे मुलाकातें किए फिर और लोगों से। 3 दिन में तो यकीनी बात है काफ़ी एक्टिविटीज़ रही होगी। तो काफ़ी बीटर एक्सपेरिमेंट है इन दोनों का, क्योंकि फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्ज़ा कर लिया था 1832 में और फिर 1962 में जाकर के आज़ादी दिया। अब वो भी प्यार से नहीं दिया, जाते जाते लाखों लोगों के मौत के घाट उतार के दिया। यानी 1954 से लेकर के 1962 तक 8 साल में उसने कम से कम 8-10 लाख इंसानों को मार दिया। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं 8-10 लाख नहीं, हम लोग 4-5 लाख मारे थे। तो 4-5 लाख खुद से अगर कोई कबूल कर रहा है तब आप समझिए। तो उसके लिए 2017 में इमैनुअल मैक्रॉन ने थोड़ा सा कड़े शब्दों में उसका जिक्र भी किया था कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था ये। लेकिन बाद में फिर फ्रांस में जब उसकी मुखालफत होने लगी कि कबूल करने की क्या ज़रूरत थी, बोलने की क्या ज़रूरत थी, इंटरनेशनल लेवल पर तारीखी हिस्सा बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो फिर उसने जो है वो कहते हैं ना कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये सब करना शुरू किया। अब बाद में फिर एक और नया शोशा छोड़ दिया। उसने कहा कि जिस वक्त फ्रांस ने कब्ज़ा किया था उस वक्त अल्जीरिया नाम का कोई कंट्री नहीं था, यानी ये लोग कबीलों में बिखरे हुए थे, तो इस लिहाज से हम लोग जा करके कब्ज़ा कर लिए, कोई मुल्क रहता तो हम लोग नहीं करते। तो अब इस पर अल्जीरिया वाले गुस्सा आ गया। अब फिर उसकी सफाई देने लगा कि हम लोग जो है जो भी हुआ 132 साल 30 साल में, तो उसमें वहाँ की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी रेबल ग्रुप, उन लोगों की भी गलती बहुत ज़्यादा थी, वो सही से हुकूमत नहीं करने देते थे तो रिटेलिएशन में मारते थे। तो उस पर अल्जीरिया वालों को गुस्सा आया तो उन्होंने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। लेकिन फिर बाद में अभी पैचअप हुआ है। तो आप समझिए कि दोनों ने कहा है कि हम लोग पास्ट को भूल जाते हैं, फ्यूचर की तरफ निगाह रखते हैं। और फिर इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि चलिए ये मसले को थोड़ा हल करते हैं, दोनों तरफ के हिस्टोरियन को बैठाते हैं और कहते हैं कि भाई सही से जो भी हिस्टोरियन फैक्ट है ये 100-200 साल के, उस पर वो जो है रिसर्च करके पेश करें कि क्या मामला था, नहीं मामला था। और ये तब इससे जो है फ्रांस में इमैनुअल मैक्रॉन के बहुत ज़्यादा जो है मुखालफत हो रही है कि ये गड़े मुर्दा उखाड़ने की क्या ज़रूरत है ये। लेकिन अभी इनकी गर्दन फंसी हुई है क्योंकि रशिया गैस नहीं दे रहा है, अल्जीरिया के पास गैस वाफिर मकदार में है, उतना तो नहीं है जितना रशिया के पास है, लेकिन कम से कम अगर 50% पे सॉल्व कर दे तो बहुत बड़ा मसला हो। तो अब जो है वो गैस इसकी चाहिए, तो एक पाइपलाइन पहले ही से गया हुआ है स्पेन की तरफ, फिर इटली ले जाना चाहता है, तो यहाँ से यूरोप का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होगा। तो कहते हैं कि चलो थोड़ा सा जख्म पे मरहम ही लगा देते हैं और उससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और अपने से बड़ा दुश्मन को अगर जो है उसको सबक सिखाने में मदद मिलती है तो कोई नुकसान की बात नहीं। तो इस लिहाज से अभी देखिए अफ्रीका में कितने लोगों की दौड़ शुरू है, चाइना इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, अमरीका इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है। और अभी मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, ये टूनिशिया में जो मामला हुआ है उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, कॉन्फ्रेंस की वजह से मोराको और टूनिशिया में टेंशन हो गया। अब मोराको को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपना अम्बेसडर टूनिशिया से बुला लिया, तो टूनिशिया वाले ने कहा मैं भी अपना अम्बेसडर बुला लेता हूँ, तो ये लड़ाई हो गई, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्री हैं। वजह क्या हुई, वजह क्या है, कल मैं थोड़ा सा रोशनी डाला था, अभी और थोड़ा खुल के मामला आया। यहाँ पर क्या है कि शिंजो आबे के टाइम ही से 8वां एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट इस कॉन्फ्रेंस का नाम था। इसी कॉन्फ्रेंस में जापान को के प्राइम मिनिस्टर को आना था लेकिन उसको कोविड हो गया तो वो क्वारंटाइन है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से इसको ये किया। तो समझिए कि अफ्रीका के सारे ममालिक के नुमाइंदे वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये टूनिशिया का जो सदर है कैस सईद, उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी उसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर दिया है,
तो काफ़ी वो तनकीद का निशाना बना हुआ है, लेकिन उसको थोड़े से इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से लीजिटिमेसी हासिल हो गई। प्रॉब्लम क्या आया कि 2019 में उसको प्रेसिडेंट बनाया गया, लोगों ने बनाया कि ये आएगा तो थोड़ा सा हालात सही करेगा, क्योंकि जब से अरब स्प्रिंग 2011 से हुआ तो बहुत ज़्यादा खाना जंगी थे, स्टेबल हो गवर्नमेंट नहीं आ पा रही थी, तो बड़ी उम्मीद से उसको लेकर के आए थे, हीरो बना के लाए थे, लेकिन जब वो सही से डिलीवर नहीं कर पाया और कोविड पेंडेमिक आ गया तो उसने तरह तरह के बहाने लगाने लगे कि इसके वजह से, उसके वजह से, अपोजिशन की वजह से ये नहीं हो रहा, और उसने एक रेफरेंडम करा दिया। रेफरेंडम में जो है उसने तकरीबन फौजी डिक्टेटरशिप वाले कानून लेकर के आ गया, कहा कि ये रेफरेंडम है और ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है या नहीं, आवाम के सामने पेश कर दिया, और आवाम तो जानते हैं कि उसको वोट दे दी। अब उसमें कितनी धांधली किया वो अलग बात है। तो जिसके वजह से अब वो एक तरह से टूनिशिया का ऑफिशियल डिक्टेटर बन गया है। तो सारे लोगों ने कहा कि ये गरचे तुमने रेफरेंडम कराया है, लेकिन रेफरेंडम के अंदर जो कानून तुम बनाए हो तो सारे कानून तुम हड़प कर लिए हो, तो ये तो डेमोक्रेसी के इथोस के खिलाफ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसमें, और तुम तो जो है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन का मामला लेकर के आए हो। तो इस लिहाज से उसको काफ़ी तनकीद कर रहे थे लोग, लेकिन अभी एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है इसके ज़रिए से मिल गया। तो उसमें पहले ये समझ लीजिए कि जापान ने कहा है, कल ऐलान किया, फुमियो कशिदा का वीडियो स्पीच हुई, उसने कहा मैं $30 बिलियन अफ्रीका में खर्च करूंगा 3 साल में। हर 3 साल में ये कॉन्फ्रेंस होता है, ये 8वां कॉन्फ्रेंस था, तो एक मरतबा अफ्रीका में होता है, फिर अल्टरनेट दूसरे मरतबा जापान में होता है, फिर उसके बाद अफ्रीका में, फिर जापान में, फिर अफ्रीका में, फिर जापान में, तो ये 8वां कॉन्फ्रेंस था, हर 3 साल में होता है। तो उसने कहा कि 3 साल में मैं अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए $30 बिलियन, बिलियन 30 अरब डॉलर समझिए खर्च करूँगा। किस लिए करेंगे भाई? तो जो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है चाइना, उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पूरे अफ्रीका में छाया हुआ है, शायद ही 2-4 कंट्री हो जो बचा हो जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट ना हो। तो इस लिहाज से सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया भी भर भर के पैसा दे रहा है, इतना पैसा इंडिया भी दे दिया है कि अफ्रीका वाले कह रहे हैं कि भाई हम लौटा नहीं पाएंगे, तो आप हमारे यहाँ से मिनरल ही लेकर के चले जाइए। अब इंडिया को तो एक अच्छा मामला लग रहा है कि चलो कॉपर वगैरह जो है मिल जाएगा फ्री में जिम्बाब्वे वगैरह से, ये हमारा कर्ज़ा नहीं अदा कर पा रहे हैं, लेकिन एक मसला ये है कि अगर वहाँ से कॉपर लेने लगे पैसे के बदले में, तो डेट ट्रैप जो चिल्लाते रहते हैं चाइना के खिलाफ, तो फिर वो बोलने के जो है मुँह ही नहीं रहेगा, कि फिर तो ये भी तो डेट ट्रैप ही वाला मामला आ गया। तो इस लिहाज से ये स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका जो पहले ज़माने में हो रहा था तो फिर दोबारा हो रहा है, लेकिन इस बार जो माना जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म में कि अफ्रीका ये ग्रोथ का इंजन है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे आ रही है, गाड़ियां वगैरह भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बन जाएगी, तो उसमें सबसे अहम काम जो रहेगा वो बैटरी का रहेगा, बैटरी चार्जिंग का रहेगा, और बैटरी के लिए जो लिथियम की जो ज़रूरत है वो सारा ख़जाना अफ्रीकन ममालिक में है। तो इस लिहाज से अफ्रीका जो है ये समझिए दुनिया की ग्रोथ का इंजन है, लिहाजा वर्ल्ड पावर की सारी निगाह इधर आ गई है। तो रशिया का आप देखेंगे फॉरेन मिनिस्टर, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर, फ्रांस का जो है प्रेसिडेंट, फिर जो है जापान का, चाइना का, इंडिया का, सब लोग जो है यहाँ पर कूदे हुए हैं। तो ये तो मैं उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया। अब ये इन दोनों में क्या मामला हुआ टूनिशिया मोरक्को में, कि टूनिशिया के जो सदर हैं कैस सईद, तकरीबन डिक्टेटर हैं, तो उसने एक आदमी को इनवाइट कर दिया, उसका नाम था ब्राहिम गाली, वो किस मुल्क का सरबराह है? तो वो किसी मुल्क का सरबराह नहीं है, ये वेस्टर्न सहारा की जो मैं बात किया था, तो यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है वेस्टर्न सहारा, जिस पर जो है जब फ्रांस का कब्ज़ा था, फ्रांस गया तो मोरक्को ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो यहाँ पर अभी एक ग्रुप है जिसका नाम है पोलिसारियो, कम्युनिस्ट लोगों का है, तो इसको अल्जीरिया वाले भी मदद करते हैं, टूनिशिया वाले भी मदद करते हैं। तो पोलिसारियो का जो लीडर है तो वो बेचारा मोरक्को के इससे बच बच के रहता है, तो उसको जो है इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट कर दिया कैस सईद ने, तो इस पर ये नाराज़ हो गया कि तुम जो है सेपरेटिस्ट लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, हमारे दुश्मन को तुम जो है फैसिलिटेट कर रहे हो, उसको इंटरनेशनल स्टेज दे रहे हो। तो उस पर जो उसने एहतजाज किया, और एहतजाज किया है तो उसने सफारती ताल्लुकात ख़राब कर लिया, तो अपने सफ़ीर को उसने बुला लिया, तो उसने भी उसको बुला लिया। तो ये मामला जो है मोरक्को का है। तो मोरक्को में जो बादशाह है वो मोहम्मद सादिस, मोहम्मद बिन हसन असादिस, अल्जीरिया में जो है अब्दुल मजीद अत्तैबून, लीबिया में जो है ये समझिए यहाँ पर तो अब्दुल वाहिद है या अब्दुल मजीद है, लेकिन दुबैबा उसका नाम है। इधर जो है खलीफा हफ्तार है जो मैन है, इजिप्ट में अब्दुल फत्ताह असीसी है, सूडान में अब्दुल फत्ताह अल बुरहानी है, और इथोपिया में अबे अहमद है। तो यहाँ पे भी लड़ाई समझिए चली रही है टिगरे का, ये भी ट्रूस हो गया था, लेकिन फिर कल जो है इथोपिया ने जो है हवाई जहाज़ से हमला कर दिया टिगरे रीजन पर, तो एक बड़ा मसला कि यहाँ भी कमी अमन माहदा ख़त्म ना हो जाए।
अब इसके बाद जो है एक बड़ा मामला आया है इंटरनेशनल लेवल पर जियो पॉलिटिक्स में, वो ये है कि ये देखिए अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना, ये लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका में 12 ममालिक हैं, ये समझिए कि वेनेजुला है, कंबोडिया है, फिर इसके बाद इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, पराग्वे है, बोलिविया है, ब्राज़ील है, गाना है, सूरीनेम है। तो इसमें अर्जेंटीना जो है एक अहम मुल्क है। अब ये सब बेचारे परेशान ममालिक हैं क्योंकि एक बड़ा दरख्त जो है ऊपर है, ये ऊपर कनाडा है, इसके बाद अमेरिका है। तो कनाडा तो समझिए अमेरिका की गोदी में जो बोलेगा वही जो जस्टिन ट्रूडो करेगा। लेकिन मसला क्या है इन ममालिक का, कि पहले तो कॉलोनियल पावर ने इनको तबाह बर्बाद किया, फ्रांस पुर्तगाल वालों ने, अब फिर अमेरिका आ गया। अब बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ जो है फल फूल नहीं पाता है, तो वही हाल इन लोगों का है। तो अर्जेंटीना में क्या है कि एक आइलैंड है, ये देखिए फॉकलैंड आइलैंड। तो यहाँ पर जो है ये यूके के जो है, ये देखिए यूके कहाँ है, इसके जो है यहाँ पर जो है ओवरसीज टेरेटरी कहता है कि हमारा ओवरसीज टेरेटरी। अब ये कह रहा है कि ये हमारे बगल में तो ये मेरा है, वो कहता नहीं मेरा है, तो कब्ज़ा किया था तो पूरा अर्जेंटीना तो छोड़ दिया, इसको छोड़ा ही नहीं। तो अब इसमें यकीनी बात है कि दुनिया में तो हैसियत अमेरिका की है, यूके की है, तो सब लोग जो है उसी को बोलते हैं, मानते हैं। लेकिन कल एक बड़ा डेवलपमेंट आया है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो 3 ममालिक के दौरे पे गए हुए थे, ब्राज़ील गए, फिर जो है पराग्वे गए, फिर अर्जेंटीना गए। पराग्वे में जो है इंडिया की एम्बेसी खुली है। अब चूंकि इंडिया का यहाँ से ट्रेड ज़्यादा होने लगा है तो ताल्लुकात बहाल होने शुरू हुए। उसमें एक मसला ये आया कि इंडिया के जो फॉरेन एम्बेसडर थे एस जयशंकर, उन्होंने सपोर्ट कर दिया फॉकलैंड आइलैंड पर अर्जेंटीना का। तो ये एक बड़ा जियो पॉलिटिक्स का तब्दीली आई है कि इंडिया जो है यूके के सपोर्ट के बजाय फॉकलैंड में अर्जेंटीना क्या है। अब जैसे कश्मीर के मामले में अगर कोई न्यूट्रल मुल्क है और वो जो है दूसरे मुल्क का सपोर्ट कर दे तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मामला आया, जबकि यूके सबको धमका के रखता है क्योंकि इससे जो है 1982 में जंग भी हो चुकी है लेकिन अर्जेंटीना हार गया था। तो अर्जेंटीना क्यों हार जाता है जबकि जंग करे तो जीत जाना चाहिए। लेकिन मसला यह जियो पॉलिटिक्स इतना जो है कॉम्प्लेक्स है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। अर्जेंटीना हथियार खरीदेगा तभी जीतेगा, लेकिन कोई भी इसे हथियार ही नहीं बेचता है, और जो बेचने के लिए तैयार होता है उसको यूके धमका देता है। तो अमेरिका तो बेचता नहीं है, यूके नाराज़ हो जाएगा, यूके ख़ुद नहीं बेचता है, फ्रांस उससे नहीं बेचता है, रशिया का जो है उतना अच्छा रहता नहीं है, पाकिस्तान बेचने के लिए तैयार हुआ, यूके धमका दिया। अब ये अचानक ये क्या मामला हुआ कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ने सपोर्ट कर दिया फॉकलैंड आइलैंड को। तो उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने इंडिया के फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, उन्होंने कहा कि आपका तेजस फाइटर जो है बहुत अच्छा है तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट हूँ ख़रीदने का। तो फिर ये तो बिलियन का सौदा है, तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि हम फॉकलैंड आइलैंड को सपोर्ट करते हैं। और फिर मैं बताया कि एक जो है जो पॉलिटिक्स का मामला चल रहा है, लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ नॉर्थ मामला चल रहा है। तो ये ग्लोबल साउथ में जो है आना चाहते हैं, ये ब्रेग्जिट में आना चाह रहे हैं, ब्राज़ील भी ब्रेग्जिट में है, अर्जेंटीना बड़ा मुल्क आ जाएगा, फिर जो है ईरान आ जाएगा, तुर्की आना चाहता है, सऊदी आना चाहता है। तो ये ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ वाला मामला हो जाएगा क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि अमेरिका ने हम लोगों को सिर्फ यूज़ किया है लेकिन बाद में खाली चूज़ करके छोड़ दिया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आया था। अब इसका रिएक्शन यूके की तरफ से इंडिया के लिए क्या आएगा वो देखने की बात है, अभी रिएक्शन आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं सोचा आपसे शेयर करूँ। अब फिर दोबारा ख़त्म करते करते याद आया, पाकिस्तान में जो है ये समझिए इतना ज़्यादा सैलाब आया हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है, लेकिन शहबाज शरीफ तो कहीं नज़र ही नहीं आता है, न होम मिनिस्टर कहीं नज़र आता है, न फाइनेंस मिनिस्टर नज़र आता है। मतलब उन लोगों को 1000 लोग मौतें हो गई लेकिन उसको फिक्र ही नहीं है, सिर्फ अपने जो हुकूमत की फिक्र है कि हमारी हुकूमत कैसे अपोजिशन से बची रहे ताकि हम जो है आराम करते रहें। इंडिया में जो है ईडी सीआईडी ये सब का जो है कहर जारी है, और झारखंड को जो चीफ मिनिस्टर था हेमंत सोरेन, तो उसको जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है समझिए कि उसके एमएलसी को खारिज कर दिया है। तो अब वो टेक्निकल तो फिर 6 महीना के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन 6 महीने के बाद उन्हें इलेक्शन कहीं से भी जीत करके आना पड़ेगा। तो ये एक मामला हुआ है। नीतीश कुमार जो है काफ़ी टक्कर देने के मूड में, मतलब आने की कोशिश कर रहे हैं, आगे महीने से वो जो है बिहार के बाहर जो निकलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि सोनिया गांधी अगर यूपीए की चेयरमैन हट जाती है और उसके जगह पर नीतीश कुमार को अगर बना दिया जाता है, और ये सारे रीजनल जो है अपना मफाद को छोड़ करके मुल्क के मफाद को सामने रख करके यूनाइट होने की कोशिश करें, तो फिर जो है नीतीश कुमार का वो फेस है जो नेशनल फेस बन सकता है और 2024 में कुछ भी जो है टक्कर देने की पोजीशन में आ सकता है।
वरना तो कांग्रेस जो यहाँ की नेशनल पार्टी है वो तो दिन ब दिन जो है खोखली होती जा रही है। अब गुलाम नबी आज़ाद ने भी समझिए इस्तीफ़ा दे दिया है, और वो तो जब प्राइम मिनिस्टर ने संसद में उनके समझिए कि अलविदाई तकरीब में जो है आंसू बहाए थे, तभी मैं समझ गया था कि अंदर से कुछ मामला चल रहा है। तो वो बात खुल के आ गई, तो वो समझे कि बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो बोले कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि बीजेपी उसको अपना जो है सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी, और उस लालच में वो फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट हैं। अब जो भी और डेवलपमेंट रहेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इत्तला की जाएगी।